एंड्रॉइड सेट चार्जिंग सोल्यूशन, यदि हमारे पास कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन आता है, मतलब एंड्रॉइड कंपनी के मोबाइल फोन आते हैं, अगर उस एंड्रॉइड कंपनी के मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं? अब देखो उसमें भी कुछ सीधा दिखाई दे रहा है नहीं, उसमें अपने मोबाइल फोन में देखो, मोबाइल फोन में लाइव में। अच्छा, तो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं? देखो जितने भी एंड्रॉइड हैंडसेट आते हैं, अगर उसमें से चार्जिंग की समस्या आती है तो उसको चेक करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले एंड्रॉइड मोबाइल फोन में चार्जिंग के लिए दो पार्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट हो जाते हैं? दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो सबसे पहला पार्ट होता है ऊपर का, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्ट। उसके बाद यहाँ पर जो लगा होता है इसको हम लोग दूसरा पार्ट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकेंड पार्ट बोलते हैं। यहाँ से पत्ते तो सप्लाई ऊपर आती है तब हमारे मोबाइल फोन में चार्जिंग होती है। अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन आता है उसमें चार्जिंग की समस्या आती है तो उस चार्जिंग समस्या को हम लोगों को टू पार्ट में चेक करना होता है। कितने पार्ट में चेक करना होता है? दो पार्ट में चेक करना होता है। दो पार्ट में तब आप चार्जिंग की लाइन को आप अच्छे से क्या कर पाएंगे? चेक कर पाएंगे। देखो चेक करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहली बात, सबसे पहला फर्स्ट बोर्ड लगा होता है ऊपर का, ये पहला बोर्ड होता है, इसको हम लोग मेन सप्लाई बोर्ड बोलते हैं। मेन पीसीबी बोर्ड होता है, फिर नीचे लगा होता है यूआई। क्या होता है? यूआई में आपका चार्जिंग कनेक्टर लगा होता है। चार्जिंग कनेक्टर से सप्लाई कहां पर जाता है? यूआई जैक पे आ जाता है। यूआई जैक में सेम मदरबोर्ड में एक ऐसा यूआई पत्ता लगा होता है। ये पत्ते के माध्यम से ऊपर से नीचे तक क्या हो जाता है? बोर्ड कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद ये सप्लाई आगे जाती है। अब ये सप्लाई पहुंची तुम्हारी चार्जिंग आईसी के अंदर, चार्जिंग आईसी के बाद फिर पहुंची बैटरी कनेक्टर में। तो ये तुम्हारे चार्जिंग के स्टेप होते हैं। तो चार्जिंग के लिए क्या होता है, सबसे पहला जो ये वाला यहां से लेकर के यहां तक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या बोलते हैं? उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक जो होता है इसको हम लोग चार्जिंग का सेकेंड पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड पार्ट। तो ये तुम्हारा कौन सा पार्ट है? ये तुम्हारा पहला पार्ट है। ये तुम्हारा कौन सा पार्ट है? सेकेंड पार्ट है। यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है, अगर उस मोबाइल फोन में चार्जिंग की समस्या आती है तो चार्जिंग की समस्या आने पर सबसे पहली बात आप क्या करेंगे? सबसे पहले पार्ट को चेक करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले पार्ट को चेक करेंगे। अगर पहला पार्ट ओके है तो उसके बाद फिर आप सेकेंड पार्ट को चेक करेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में क्या आता है? तुम्हारा यूआई आता है, यूआई से जैक आता है, जैक से यूआई पत्ता ऊपर तक जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या आता है? यूआई जैक आता है, यूआई जैक से सप्लाई चार्जिंग आईसी तक जाती है, चार्जिंग आईसी सप्लाई कहां पर जाती है? बैटरी कनेक्टर पर जाती है, जिससे आपके मोबाइल फोन में बैटरी चार्ज होना चालू होती है। ये जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन आते हैं सभी एंड्रॉइड मोबाइल फोन में चार्जिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सभी एंड्रॉइड मोबाइल फोन में इसी तरीके से चार्जिंग का तरीका होता है। अगर आप देखेंगे तो मैं इस बोर्ड में समझाता हूं, ये तुम्हारा चार्जिंग कनेक्टर लगा है। चार्जिंग कनेक्टर जब जैक लगा देते हैं, जैक से पत्ते पे सप्लाई आती है, पत्ते सप्लाई कहां पर जाती है? ऊपर बोर्ड पे जाती है। ये नीचे से यूआई पत्ता लगा होता है। क्या लगा होता है? यूआई पत्ता लगा होता है। इस यूआई पत्ते से सप्लाई होते हुए ऊपर चली जाती है, उसके बाद सप्लाई चार्जिंग आईसी पे जाएगी, चार्जिंग आईसी के बाद तब बैटरी पे जाती है। कहां पे जाती है? बैटरी पे जाती है। तब आपके मोबाइल फोन में बैटरी चार्ज होना क्या होती है? शुरू होती है, चार्जिंग स्टार्ट होती है। इसको एक बार थोड़ा सा बना लीजिए। आप डालिए एंड्रॉइड सेट चार्जिंग ट्रैक। तो सबसे पहली बार हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट चेक करना सीखेंगे, मतलब पहले पार्ट को कैसे चेक करेंगे, यूआई वाले पहले पार्ट को चेक करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट को चेक करना सीखेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट,
फर्स्ट पार्ट में दो तरह का जैक आता है, एक तो तुम्हारा इस तरीके का आता है, ये तुम्हारा टाइप सी आता है। कैसा आता है? ये आपके मोबाइल फोन में क्या होता है, जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन आते हैं तो सारे एंड्रॉइड मोबाइल फोन में क्या रहता है कि ये चार्जिंग जैक लगा होता है। चार्जिंग जैक में से पहली और आखिरी क्या होती है, प्लस माइनस होती है। एक पिन माइनस होती है, माइनस पिन क्या होती है, ग्राउंड होती है। माइनस पिन क्या होती है, माइनस पिन जो सप्लाई जाती है ग्राउंड हो जाती है। प्लस वाली सप्लाई होती है आगे जाती है, डायोड लगा होता है। डायोड से सप्लाई कहाँ पर जाती है, कैपेसिटर पर जाती है। कैपेसिटर से होते हुए कहाँ पर जाती है, पॉइंट पर जाती है। ये जो पॉइंट होते हैं इनको पिन बोलते हैं, चार्जिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर चार्जिंग के लिए क्या होता है, तुम्हारा मोबाइल फोन में पत्ता लगता है, इस पत्ते से ऊपर पत्ते तक कनेक्शन चला जाता है। तो जो 5 वोल्ट करंट यहाँ पर आता है, इसी पत्ते से 5 वोल्ट सप्लाई तुम्हारी ऊपर चली जाती है, उससे आगे चले जाते हैं। वीबस का पॉइंट बना होता है। क्या बना होता है? वीबस का पॉइंट होता है। यहाँ तक 5 वोल्ट सप्लाई पहुंचाना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट करंट आ जाता तो इसका मतलब होता है आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग का लाइन क्या हो गया है, चालू हो गया है। मतलब चार्जिंग का लाइन सही है, आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग होगा। तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, यहाँ पर चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगाने के बाद पत्ता वत्ता पूरा लगा देंगे। पत्ता वत्ता लगाने के बाद मल्टीमीटर में क्या करेंगे, 20 वोल्ट सेट करेंगे। रेड पिन को, सॉरी ब्लैक वाली पिन को ग्राउंड पर रखेंगे, रेड वाली पिन को इस वी बस वाले पॉइंट में चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक करने पर दोस्तों आपको 5 वोल्ट करंट मिलना चाहिए।
कितना मिलना चाहिए? अगर 5 वोल्ट करंट मिल रहा है तो 5 वोल्ट करंट मिलने का मतलब होता है आपका नीचे पीसीबी से लेकर के ऊपर मेन बोर्ड तक करंट पहुंच रहा है, आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग होना चाहिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपके मोबाइल फोन में फर्स्ट पार्ट ओके। क्या पता चलेगा? आपके मोबाइल फोन में फर्स्ट पार्ट ओके। तो यदि चार्जर लगा के चेक करेंगे तो चार्जर लगा के चेक करने पर हम लोग यहाँ वीबस पॉइंट तक चेक करते हैं, तो वीबस पॉइंट तक चेक करने पर कितना वोल्टेज करंट आता है? 5 वोल्ट करंट आता है। अगर 5 वोल्ट करंट आता है तो 5 वोल्ट करंट आने का मतलब होता है हमारा चार्जिंग कनेक्टर सही है, हमारा यूआई पत्ता सही है, हमारा यूआई जैक सही है और हमारा यहाँ तक 5 वोल्ट करंट आ रहा है, तभी आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग होगा। हाँ वीबस हाँ तभी सही हो जाता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल फोन में कई बार ऐसा होता है कि चार्जिंग की समस्या आती है और मोबाइल फोन में बैटरी चार्ज नहीं होती और कई बार यूआई पत्ता वगैरह क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो जब यूआई पत्ता खराब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग के प्लस से सप्लाई लेते हैं, ये पत्ता होता है यूआई वाई का, ये पत्ता खराब हो जाता है तो चार्जिंग प्लस से लेते हैं और सीधे ले जाकर के हम लोग वी बस पॉइंट पे जोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, 5 वोल्ट करंट सीधे मदरबोर्ड में ऊपर चढ़ जाता है और आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग होना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। क्या अरे उसमें डायोड कैपेसिटर लगे होते हैं, सब लाइन डायरेक्ट हो जाती है। हमको कुल मिलाकर के 5 वोल्ट करंट ऊपर पहुंचाना है जिससे हमारे मोबाइल फोन में बैटरी चार्ज हो। ये वाली कितने पॉइंट में जाती है, इसका कोई भरोसा नहीं होता। 3 पॉइंट में जाती है, कितने में? 5 में जाती है, कितने में? 6 पॉइंटों में चली जाती है। हाँ कितने में जा सकती है? अब देखो जैसा ये सिस्टम होता है उसी तरीके से देखो सर। हाँ चार्जिंग में हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, इसका माइनस पॉइंट क्या होता है, ग्राउंड होता है। क्या होता है? माइनस पॉइंट ग्राउंड होता है। प्लस वाली पिन में चेक करते थे, यहाँ पर चेक करने पर क्या होता है, वैल्यू आता है। क्या आता है? वैल्यू आता है। अगर प्लस वाले पॉइंट में वैल्यू नहीं आता, ये प्लस का लाइन खराब हो जाता है, तो प्लस वाली पिन तो सप्लाई हम कहां पर जाते हैं, जैक पर जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूआई जैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसा ये यूआई जैक बना होता है ऐसे मोबाइल फोन में ऊपर दूसरा भी जैक बना होता है। इस जैक में से एक पिन क्या होता है, तुम्हारा ग्राउंड होता है। क्या होता है? एक पिन ग्राउंड होता है। तो सबसे पहली बार हम लोग क्या करते हैं, चार्जर लगाते हैं। क्या करते हैं? चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाने पर प्लस माइनस में 5 वोल्ट करंट चेक करते हैं। 5 वोल्ट से सप्लाई आगे जाती है, आगे डायोड भी लगा होता है, प्रोटेक्शन के तौर पर कैपेसिटर भी लगा होता है। उसके बाद सप्लाई यूआई जैक पर जाती है। अच्छा ये जो तुम्हारा यूआई जैक होता है, इसमें से मैंने आपको बताया ये साइड के पिनें जो होती हैं वो एक तो ऐसा जैक आता है जिसमें साइड की प्लास्टिक की होती है, उसमें सप्लाई पिनों में आती है। कहाँ पर आती है? पिनों में आती है। और एक तुम्हारा ऐसा जैक आता है जिसमें साइड का पॉइंट जो होता है तुम्हारा स्टील का होता है। साइड का पॉइंट कैसा होता है? स्टील का होता है। जो साइड का पॉइंट स्टील का होता है तो स्टील वाला ही पॉइंट जो होता है प्लस माइनस होता है। कैसा होता है? जो स्टील का पॉइंट होता है वो क्या होता है? प्लस माइनस होता है। स्टील में आप देखेंगे तो इसमें से एक पॉइंट में चेक करने पर क्या आता है, तुम्हारा बीप आता है। क्या आता है? एक पॉइंट में चेक करने पर क्या आता है? वैल्यू आता है। ऐसे से हम यूआई के ऊपर तरफ चेक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगा, इस पर चेक करने पर क्या आएगा? बीप आएगा। तो अगर कल को तुम्हारी इसमें से दिक्कत आ जाती है तो तुम चार्जिंग के प्लस पॉइंट उठा करके सीधे यहाँ पर भी जम्पर मार दोगे, यहाँ पर जम्पर मार दोगे, तब भी आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग की लाइन क्या हो जाएगी, पकड़ जाएगी।
सैमसंग के मोबाइल फोन में कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि ऐसा जैक आता है, इसमें से चार्ज, टेक्नो के भी मोबाइल फोन में कई बार ऐसा होता है, इन्फिनिक्स के मोबाइल फोन में ऐसा आता है कि उसमें नीचे से लेकर एक ही पत्ता आता है, उसमें चार्जिंग वार्जिंग यूआई स्पीकर माइक रिंगर सब होते हैं। तो चार्जिंग की जो पिने होती है वो साइड की जो मोटी वाली पिन होती है, वही मोटी वाली पिन ही प्लस माइनस होती है। तो इधर साइड का प्लस होता है, नीचे वाला क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस वाले पॉइंट में चेक करने पर क्या होता है, बीप आता है। प्लस वाले पॉइंट में चेक करने पर क्या आता है, वैल्यू आता है। अगर प्लस वाले पॉइंट में चेक करने पर वैल्यू नहीं आता तो प्लस वाले पॉइंट उठा करके हम लोग यहाँ पर वीबस वाले पॉइंट में सप्लाई को जोड़ देंगे, जिससे आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग की समस्या सॉल्व हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग होना चालू हो जाता है। पिन पे भी रहता है इसका साइड, जिसमें साइड में दिया होगा तो उसमें पिन पे नहीं दिया होगा, और जिसमें पिन पर दिया होगा तो साइड में नहीं होगा। एक करो, अगर यहाँ के डायोड है या कैपेसिटर में भी लिखते थे तो इस वाले पर वही ईयर में लगा दो। अगर यहाँ तक नहीं लिखते, यहाँ तक लिखते थे तो डायरेक्ट यहाँ तक लगा दो। देखो जैसे ये, देखो जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो साइड में पिने है, और साइड का जो पिना दिया हुआ है वो स्टील का दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है, स्टील का दिया हुआ है। अब मल्टीमीटर निकालो जरा, मल्टीमीटर निकालो। मल्टीमीटर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी पॉइंट में चेक करेंगे। बी पॉइंट में रख करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। बी पॉइंट पर रखकर चेक करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रेड पिन को ग्राउंड पे लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, रेड पिन को ग्राउंड पे लगाएंगे ऐसे। हम लोग यहाँ पर जैक में चेक करेंगे तो एक तरफ चेक करने पर क्या आएगा, वैल्यू आएगा। देखो वैल्यू आ रहा है कितना, रहा 370, और दूसरी तरफ चेक करने पर क्या रहा है, बीप आ रहा है। तो बीप आने का मतलब क्या होता है, एक तरफ से चेक करने पर, आप मल्टीमीटर उठाइए जरा, ऐसे दिखाइए सबको, वैल्यू आ रहा है, बीप आ रहा है। तो इसका मतलब होता है ये जो हमारा जो ये जैक है, इस जैक में से एक तरफ का हिस्सा माइनस और दूसरी तरफ का हिस्सा क्या है, प्लस है। जो प्लस वाला हिस्सा होता है वो तुम्हारा चार्जिंग का होता है, जो प्लस वाला हिस्सा होता है वो किसका होता है, चार्जिंग का होता है। अगर कई बार आपके मोबाइल फोन में यहाँ पर अगर चेक करने पर वोल्टेज नहीं आते, चार्जिंग का लाइन खराब हो जाता है, यहाँ पर वैल्यू आना बंद हो जाती है, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है तो, या वीबस पे वैल्यू आ रही है तो इस वीबस या इस पॉइंट उठा करके सीधे आप यहाँ पर जम्पर मार देंगे तो आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग होना मोबाइल फोन में से चालू हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस सर्किट को बना लीजिए जरा। ओके।